ओके, द टॉपिक विच यू आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, कि हम सेम स्टेप से अमेजोन ड्रॉप शिपिंग किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले आपने दोनों वेबसाइट को ओपन करना होगा। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर जो डिलीवर एड्रेस है ये बाज़ोकात बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आता है, तो इसको आपने चेंज करना होगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर सेम्स क्लब से अगर हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेंबरशिप बाय करना। राउंड अबाउट $100 पर ईयरली चार्ज करता है। ठीक है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, जैसा फ्री शिपिंग और भी बहुत ज़्यादा, ये आपके लिए कारामद साबित होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्री शिपिंग। ठीक है, जब आप यहाँ से ऑर्डर को प्रोसेस करते हो तो उसकी जो शिपिंग चार्जेस है वो आपको फ्री मिलेंगी जब आप इसकी मेंबरशिप बाय करोगे। ओके, तो बाय करने के बाद आप यहाँ पर आए डिपार्टमेंट पे, यहाँ पर आप अपनी मर्जी का जो भी डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ हाउस हाउस होल्ड एंड एसेंशियल। ठीक है, ओके, अच्छा, यहाँ पर अभी सब डिपार्टमेंट भी है तो आप इसको भी सेलेक्ट करें, यहाँ से अपनी मर्जी का जो भी हो। फॉर एग्जांपल मैं एयर फ्रेशनर को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एयर फ्रेशनर की जितनी भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, अभी इसको मैं वन बाय वन टैब्स में ओपन करता हूँ और इसको मैं सर्च करूंगा कि आया ये हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट है ड्रॉप शिपिंग के लिए या नहीं। लेकिन इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने जानना होगा, वो है क्रोम एक्सटेंशन। जब भी आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो ड्रॉप शिपिंग के लिए कुछ ऐसी क्रोम एक्सटेंशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका टाइम भी बचाता है प्लस वो आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट भी देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ क्रोम एक्सटेंशन बताता हूँ, जैसा नंबर वन इज अमेजोन असिस्टेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखो, अमेजोन असिस्टेंट पार्क रूम। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। ओके, यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने क्रोम में ऐड किया है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ओके, अच्छा, दूसरा जो है वो है प्राइस ब्लिंक। ठीक है, इसको भी आप डाउनलोड करें, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर ऐड टू क्रोम आएगा तो आप यहाँ पर इसको ऐड टू क्रोम करें। ठीक है, तो ये किस तरह वर्क करता है देखिए, आपको यहाँ पर डिटेल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी शो करूँगा कि हाउ एड्स वर्क। सो इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से फिलहाल। ठीक है, अच्छा, अभी जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है, इसको हम वन बाय वन ओपन करेंगे न्यू टैब में। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 8 से 10 प्रोडक्ट्स टैब में ओपन की। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। अभी अमेजोन असिस्टेंट क्या करेगा, अमेजोन असिस्टेंट जो है वो यहाँ पर आएगा और हमें बताएगा कि ये प्रोडक्ट अमेजोन पे अवेलेबल है भी या नहीं, और अगर अवेलेबल है भी तो ये कितने रेट्स में अवेलेबल। ठीक है, और प्राइस ब्लिंक का जो वर्क है वो देखो, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, ये आपको बता रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस पे सेल हो रहे हैं प्लस कितने में सेल हो रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, हम यहाँ पर अभी प्राइस कंपेयर करेंगे। देखो, ईबे पे ये 19 का, ओके, अमेजोन 21 एंड वॉलमार्ट 24। सो यहाँ पर कितने का बिक रहा है, 11 का। ठीक है, अगर इसमें हम मेंबरशिप बाय ना करें तो यहाँ पर जो शिपिंग है वो ऐड होता जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इंटर अ जिप कोड, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑस्टन का एक जिप कोड यहाँ पर डालता हूँ तो ये मुझे शिपिंग दे देगा। इसके अलावा ये टैक्स भी चार्ज करता है, लेकिन उसमें अलग वीडियो हम बनाएंगे कि हाउ कैन वी एग्जेम्प्ट द टैक्सेस। अच्छा, तो अभी इसको हम मजीद चेक करेंगे कि आया ये अमेजोन पे सेल हो भी रहा है या नहीं। ठीक है,
क्योंकि सिर्फ प्राइस कंपैरिजन इज नॉट इनफ। ये अगर अमेजोन पे 21 का सेल हो रहा है तो हम देखेंगे कि आया ये जो प्रोडक्ट है इसका सेल वॉल्यूम कितना है, इसका BSR कितना है, आया इसका जो ब्रांड है वो हमें एलो कर भी रहा है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसका SN भी ऐड करेंगे एड एंड प्रोडक्ट में, ठीक है। एड प्रोडक्ट में जब हम इसका SN चेक करेंगे तो हम जब इसको सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि अमेजोन हमें इस प्रोडक्ट के लिए एलो कर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि बस ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं। ग्लेड के जब मैं तकरीबन लास्ट मंथ में इसका एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा था तो अमेजोन मुझे एलो नहीं कर रहा था, हालांकि मैं FBA कर रहा था। तो तब जाकर मुझे मालूम हुआ कि आपने SN को भी चेक करना होगा अमेजोन के एड प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर मैं अमेजोन को यहाँ पर ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर देखूंगा, डायरेक्ट अमेजोन पे ये आया, ठीक है। अच्छा, इसकी 2 रेटिंग है, इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट जो है ये एक अच्छा सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि हमें रेटिंग से ही मालूम हो रहा। तो यहाँ पर इसका BSR भी मैं चेक करूँगा, तो BSR भी यहाँ पर होगा, अच्छा 85,000 मीन्स कि ये BSR बहुत ज़्यादा है। हमने कोशिश करना होगा कि 20,000 से 30,000 के अंदर अंदर BSR, ठीक है। अगर 85,000 BSR है तो इट मीन्स कि ये दिन में सिर्फ एक प्रोडक्ट बिकेगा या बिकेगा भी नहीं, ठीक है। अगर बिकेगा भी तो इसमें कितने यहाँ पर सेलर हैं, कौन इसको लेके जाएगा इस सेल को, ये 6 सेलर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आपने हर एस्पेक्ट को देखना होगा कि आया दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर मी और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसका रेटिंग भी कम है, अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल रहा है, नो डाउट प्रॉफिट इसमें मिल रहा है, लेकिन इसका जो सेल वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है, ठीक है। प्लस कंप्यूटर भी है इसमें, तो इसके अगर दिन में सिर्फ एक सेल आएगा तो ये एक सेल कौन लेके जाएगा। तो पर्सनली मैं इस प्रोडक्ट को कभी सेलेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूंगा जिसका सेल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, कम से कम 40-50 यूनिट्स डेली इसका सेल वॉल्यूम हो डेली, ओके। अच्छा, तो इसको मैं स्किप करता हूँ यहाँ से। जो जो प्रोडक्ट आपको मालूम हो कि ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है तो आप इसको यहाँ से रिमूव करो ताकि आप और प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से जाँच कर सको। तो आप देख सकते हो ये 20 का सेल हो रहा है, यहाँ पर 16 का, ओके। तो आई थिंक इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा, प्लस इसकी रिव्यूज़ भी बहुत हैं। तो इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। पर्सनली मुझे ये क्रोम एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये आपको एक तो टाइम बचाता है, प्लस इसमें जो है ना फ्री है, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसके स्टेटिस्टिक चेक करूँगा अभी, ओके। हेल्थ एंड हाउस होल्ड 11,000, ठीक है। अच्छा, इसका जो BSR है वो बेस्ट है, ठीक है। इसके सेल्स होंगे 20 से 25 तक डेली, तो इट्स गुड, ठीक है। अच्छा, 15 लोग इसको सेल कर रहे हैं। आपने ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना होगा जिसमें कम से कम सेलर जो है वो 4, ठीक है। ज़्यादा उस पर कोई लिमिट नहीं, लेकिन कम से कम उस पर 4 सेलर हो। तो देखो इसमें सारे न्यू सेलर भी बहुत हैं, जैसे 2 रेटिंग, 8 रेटिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको मज़ीद चेक करूँगा। यहाँ पर मैं इसका बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक भी चेक करूँगा, इसके अलावा ओके। अच्छा, मैं देखूंगा इसमें FBS सेलर तो मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर FBS सेलर लिस्टिंग में मौजूद हो तो वहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि Amazon ज़्यादातर बाय बॉक्स FBS सेलर को देता है, नॉट FBM। तो देखें, ये FBS सेलर यहाँ पर भी मौजूद है। अच्छा, FBS सेलर और FBM सेलर में हमें किस तरह पता चलेगा, शिप फ्राम एंड सोल्ड बाय जब एक सेम हो तो इट मीन्स कि ये FBM है, ठीक है। यानी शिप फ्राम एंड सोल्ड फ्राम, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, इट मीन्स कि FBM है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर शिप फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय डील स्टार, तो इट मीन्स कि ये FBA है, ओके। अच्छा, तो इसमें एक FBA सेलर है, बाकी सब आई थिंक FBM सेलर है, ठीक है। तो इसमें हम जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर इसमें 3-4 FBA सेलर हो तो फिर हम इसमें नहीं जा सकते, ओके।
अच्छा, तो इसका BSR भी ठीक है, इसके अलावा सेलर भी है इसमें, ठीक है, नए सेलर भी इस पे है, प्रॉफिट भी इसमें मिल रहा है हमें। नो, द लास्ट थिंग इज हम इसको देखेंगे कि आया अमेजोन इसको एक्सेप्ट कर भी रहा है कि नहीं इसके लिस्टिंग को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अमेजोन अकाउंट को ओपन करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको चेक करूँगा कि सॉरी, यहाँ पर मुझे, मेरे पास अमेजोन अकाउंट नहीं है, वो दूसरी टैब में है। तो टाइम को बचाने के लिए मैं चाहता हूँ कि बस आपको यही चीज़ें आपने देखने होंगे ड्रॉप शिपिंग में, कि कौन कौन सी चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे सेल उसका होना चाहिए, उसमें सेलर होने चाहिए, प्लस जब आप सब चीज़ें क्लियर हो तो आप इसका जो क्या कहते हैं उसको एसिन है, इसको आपने कॉपी करना होगा, प्लस आपने इसको ऐड करना होगा अमेजोन के सेलर सेंटर में, ठीक है। आइए, ये गेट इट तो नहीं है, ठीक है, अगर गेट इट हो तो फिर इसको छोड़ देना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने कंसिडर करना होगा। ओके, अच्छा, अब सपोज ये प्रोडक्ट बेस्ट है, तो आपने क्या करना होगा, आपने इसका लिंक कॉपी करना है, इसके अलावा आपने जो ये लिंक कॉपी करना है आपने, सॉरी, अच्छा, इसके अलावा ये दूसरा प्रोडक्ट है, इसको भी हम चेक करते हैं। यहाँ पर ये कुछ भी शो नहीं हो रहा है, इट मींस कि अमेजोन पे सेल नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर सेल हो भी रहा है तो इसके स्टेटिस्टिक बहुत लो होंगे, या इसका सेल वॉल्यूम बहुत ही कम होगा, दैट्स व्हाई जो एक्सटेंशन है उसको ग्रैब नहीं कर रहा। तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ। अच्छा, ये तीसरा है, यहाँ पर हम कंपेयर प्राइस पे क्लिक करेंगे, ये सिर्फ वॉलमार्ट पे सेल हो रहा है। ओके, तो इसको हमने छोड़ना होगा। इसके अलावा ये पैकअप पोर्ट, ये 9.88 का सेल हो रहा है, इसको हम चेक करेंगे। अच्छा, अमेजोन पे ये 16 का सेल हो रहा है, ठीक है, तो इट मींस कि इसमें थोड़ा बहुत मुनाफा होगा। तो मैं इसमें देखता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें हम सिर्फ अमेजोन की ही फीस देते हैं, नॉट कि इसका फुलफिलमेंट फीस या स्टोरेज फीस, वो सब हम इसमें काट देते हैं। तो अभी इसको भी मैं चेक करूंगा। सबसे पहले आपने देखना होगा कि ये गेटेड या अनगेटेड तो नहीं है, ठीक है। अगर गेटेड हो तो फिर आपने इसको छोड़ना होगा, आपने ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने होंगे जो अनगेटेड हो। ओके, तो ये भी जो है 25 सेलर है, इट्स ओके, रेटिंग भी इसके अच्छे हैं। और अभी हमने देखना होगा कि इसका BSR कितना है, तो इट्स गुड। तो यहाँ पर हम इसके मजीद कुछ स्टेट्स चेक करेंगे, जैसे बाय बॉक्स के स्टेट्स। प्रोडक्ट सेलेक्ट करते वक्त आपने हर एक स्टेट्स को चेक करना होगा। ओके, ठीक है, इसका बाय बॉक्स रोटेट भी हो रहा है थोड़ा बहुत। तो इसी तरीके से आपने प्रोडक्ट पे रिसर्च करना है, ठीक है। अब मैं इसकी कैटेगरी को, मैं दूसरा कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, जैसे वापस मैं डिपार्टमेंट पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं हेल्थ एंड ब्यूटी पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं, फॉर एग्जांपल, आपने इसमें अनगेटेड वाला जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने देखने होंगे, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो गेटेड होते हैं, तो इस पर भी आपने रिसर्च करना होगा। मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पर सीजन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको देखता हूँ। ये चार प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, ये देखे मेंबर ऑनली प्राइस, ये जो प्राइस हमें शो नहीं हो रहा, इट मींस कि हमने अभी तक इसका मेंबरशिप बाय नहीं किया। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको प्राइस तभी शो करता है जब आप इसकी मेंबरशिप लेंगे, ठीक है। तो मेंबरशिप लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा, ये 24 को सेल हो रहा है, आप
अच्छा ये 24 का सेल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 41 का, लेकिन इसकी रेटिंग 6 है, तो इसको भी हमने छोड़ना होगा क्योंकि इसका सेल वॉल्यूम बहुत ही कम होगा। प्रॉफिट इसमें है नो डाउट, बट सेल वॉल्यूम बहुत कम है। इसकी हम कंपेयर प्राइसेस, ये सिर्फ वॉलमार्ट पे सेल हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो इसी तरीके से आपने वन बाय वन प्रोडक्ट को चेक करना होगा, उसके स्टेयर्स चेक करना होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसका एसएन उठा के उसको एड प्रोडक्ट की जो अमेजोन है उसको एड प्रोडक्ट में ओपन करेंगे और वो एसएन हम डालेंगे, ठीक है। तो जब हम एसएन डालेंगे तो वो हमें बता देगा कि आई ये अप्लाई टू सेल प्रोडक्ट है या ये सेल दिस प्रोडक्ट है, यानी ये गेटेड है या अनगेटेड, ठीक है। क्योंकि गेटेड प्रोडक्ट में जाहिर बात है हम नहीं जा सकते क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वहाँ पर वो हमसे इनवाइसेस मांगेंगे तो इनवाइसेस तो हमारे पास होते नहीं, ठीक है। तो हमने क्या करना होगा, हमने अनगेटेड प्रोडक्ट में जाना होगा। इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है जो कि हेल्थ एंड ब्यूटी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स गेटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अनगेटेड भी है। सो आपने घबरा नहीं है, आपने इन चीज़ों को देखना होगा, प्रॉपर रिसर्च करना होगा, ठीक है। और अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, ये मैंने हंग किया, ओके। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसका प्रॉफिट मालूम करना होगा क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि यार इसमें इतना प्रॉफिट है एस्टिमेटेड, लेकिन जो प्रॉपर प्रॉफिट है वो हम मालूम करेंगे, ठीक है। अगर हमें इसमें फॉर एग्जांपल 10 से 15% या 20% आरओआई या मार्जिन मिल रहा है तो हमने इस प्रोडक्ट का जो लिंक है कॉपी करना है, ठीक है, और उसको शीट में ऐड करना है, प्लस उसका जो कास्ट है, सेलिंग प्राइस है, इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन है, वो सब हमने कैलकुलेट करना होगा शीट में, ओके। तो इसी तरीके से हमने वन बाय वन एक एक लिस्टिंग को चेक करना होगा, जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है वो हमने शीट में ऐड करना होगा, और उसके बाद दोबारा अगर उस पर आप रिसर्च करोगे कि इसमें बेस्ट वन कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 या 20 प्रोडक्ट निकाले जो कि अच्छे हो, लेकिन उस 10-20 प्रोडक्ट को आप जो न्यू अकाउंट है उस पर आप लिस्ट नहीं कर सकते, लिस्ट आप सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते, तो आप अगेन उस पर एनालाइज करें, एनालिसिस करें आप उस चीज़ पे, और आप अगेन जो 20 प्रोडक्ट है या 10 प्रोडक्ट है उसको आप अगेन रिसर्च करें, ठीक है। रिसर्च करने के बाद उसमें 3 प्रोडक्ट या 4 प्रोडक्ट ऐसे निकालें जो कि बेस्ट सेलिंग हो, आप ड्रॉप शिपिंग पे लगा दें, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन था, सोच आप लोग के साथ शेयर करूँ। अगर इस हवाले से आपके जहन में जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।